गठबंधन की बैठक में बहुजन समाज पार्टी को लेकर कहीं सारा घमासान बचा। रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाता है तो वर समाजवादी पार्टी गठबंधन छोड़ सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि दलित पार्टी के तौर पर या दलित चेहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन किसको ले सकता है। दरअसल इसमें एक नजर साफ आया कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसी गठबंधन के बाद उस बैठक के बाद अखिलेश यादव के करीबी और जयंत चौधरी के करीबी नेता चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं शरद पवार के यहाँ। शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, शरद पवार की इंडिया गठबंधन एक अच्छी पैठ है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा है। ऐसे में एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो इंडिया गठबंधन का यह फैसला या इंडिया गठबंधन की यह रणनीति हो सकती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की जगह पर चंद्रशेखर आजाद को लिया जाए, और चंद्रशेखर आजाद को अगर लिया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी से सस्ते के अंदर निपट सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अगर साथ लिया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी करीब 30-40 सीटें मांगेगी, जबकि चंद्रशेखर आजाद को 2 या 3 सीटें ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है, और हो सकता है तो चंद्रशेखर आजाद 1 सीट के लिए भी राजी हो सकते हैं। 1 सीट से ज्यादा या 2 सीटों से ज्यादा उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। नगीना की सीट से चंद्रशेखर खुद तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा 1 सीट वो और मांग सकते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद के पास उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ है नहीं। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए भी ये एक सही रणनीति हो सकती है कि 1% यानी 1 सीट के बदले चंद्रशेखर को 1 सीट देकर उनकी पूरी भीम आर्मी और दलितों का वोट अपनी तरफ डाइवर्ट है वो किया जा सकता है, जबकि बहुजन समाज पार्टी को अगर साथ लेते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को बराबरी का हक देना पड़ेगा। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को साथ लेता है या फिर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लेता है। अब चंद्रशेखर आजाद को अगर इंडिया गठबंधन 1 ही सीट देता है और उसी सीट पर अगर चंद्रशेखर आजाद को सहयोग नहीं मिलता इंडिया गठबंधन का, तो फिर चंद्रशेखर आजाद के पास कुछ भी नहीं बचता है खोने के लिए। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को कई जगहों पर उनका वोट है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का, वो अच्छे खासी स्थिति में मिल सकता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर बात यह देखना दिलचस्प हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता इस गठबंधन को कैसे लेगी, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होगी, सपा कहां खड़ी होगी, बीएसपी कहां खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी को कैसे चुनौती देगी, ये सब कुछ सवाल इंडिया गठबंधन के खुद के भविष्य पर और आगे भविष्य के गर्भ में छिपे हुए। मिले किस्ट वीडियो अपडेटों के साथ, अब आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर।